हम लोगों ने आज जो है अपने एमसीडी में से मेयर का, सीएम का और जो है बीजेपी में जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनका पुतला फूंका है। क्या क्या मांगे हैं और कितने महीनों से जो है सैलरी नहीं मिली आपको? हमारे को सैलरी तो जब से ये गवर्नमेंट चेंज हुई है तभी से है, लेकिन अभी पिछली जो सैलरी थी वो 3 महीने की रुकी थी, तो हमने सितंबर तक की जो मेयर साहब थे वो आए थे, उन्होंने बोला था कि पे आपको टाइम से मिलेगी सैलरी, लेकिन तब भी स्ट्राइक की थी तो 3 महीने की सैलरी उन्होंने दे दी। उसके बाद में फिर अब कंटिन्यू 4 मंथ की पे हो गई है और अभी तक कोई भी ऐसा इशू नहीं है कि वो हमें देंगे, तो उसी के बिहाफ पे हमने जो है आज पुतला फूंका है। अब पुतला फूंक रहे हैं, अब क्या लग रहा है? हम जो है आज हमारा 21वां दिन है, लगातार कंटिन्यू इंडिफिनिट स्ट्राइक है और हम लोगों ने मोदी जी और केजरीवाल और मेयर का पुतला फूंका है, क्योंकि यही हम मानते हैं कि एमसीडी के तीन दलाल मोदी, मेयर, केजरीवाल, ये हमारा मुख्य नारा है इसको लेकर के, सैलरी को लेकर के। कितने महीने की जो अब सैलरी? अब हमारी सैलरी करीब करीब जो है 4 महीने की सैलरी जो है पेंडिंग है और इसी सैलरी से रिलेटेड हम पिछले कई बार हम ऐसे स्ट्राइक कर चुके हैं, वायदा मेयर साहब की तरफ से और कई केजरीवाल जी की तरफ से बार बार वायदे होते हैं कि भाई आगे आप लोगों की सैलरी नहीं रुकेगी, परंतु वही डाके 3 पात हैं, सैलरी टाइम पे नहीं आना। और हमारा जो है आज हमें मजबूरी बस इस हॉस्पिटल में, राजन बाबू हॉस्पिटल में पूरे ऑपरेशन थिएटर बंद हैं सारे, जो कि लंग्स जो फेफड़े ट्रांसप्लांट का और रिब्स ट्रांसप्लांट होती हैं वो नहीं हो पा रही हैं, आँखों के ऑपरेशन होते हैं वो बंद पड़े हैं, जो टीबी की गांठें निकलती हैं वो बंद पड़े हैं, एक्सरे बंद पड़े हैं, फार्मेसी पूरी तरह, दवाइयां नहीं मिल रही हैं पेशेंट्स को, केवल इमरजेंसी सर्विस से। अभी भी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो क्या करेंगे आप लोग, क्या रहेगा अगला कदम? हमारा यही रहेगा, स्ट्राइक तो इंडिफिनिट रहेगी, साथ में हम भूख हड़ताल पे भी जाने का अपना हमारा विचार है, भूख हड़ताल पे जाएंगे और अपना ज्ञापन हम जो है एलजी को दे चुके हैं, अब की बार हम पीएमओ हाउस में अपना ज्ञापन देने का हमारा अगला विचार है। पुतला जो हमने दहन किया है वो हमारे तीनों के तीनों मेयर भी हैं उसमें, उसी का हमारे जो हमारे मोदी जी भी हैं और हमारे केजरीवाल भी हैं, हमने तीनों को ही उनको पुतले का संज्ञा दे के उनको फूंका हुआ है। तीनों का पुतला फूंक रहे हैं, क्या मांगे हैं और क्या क्या लग रहा है आपको, कितनी सरकार फूंक रही है? देखो हमारी तो बेसिक मांगने ये कि हमें समय पे सैलरी मिले और हमारे जो एरिया ड्यूज हैं वो हमें पूरे मिलने चाहिए। अब की बार जो है अब दोबारा हम देखेंगे, तीसरी चौथी बार दोबारा हड़ताल करने, कितने महीने की सैलरी अभी भी रुकी हुई है, अस्पताल की क्या जो सेवाएं हैं वो भी बाधित हैं या फिर पूरे तरीके से बंद कर दी? नहीं, हमारी जो इमरजेंसी सेवा हमें अभी भी कंटिन्यू करी हुई है, लेकिन बाकी हमने सारी चीज़ें हमें स्टॉप कर दी हैं, ओपीडी वगैरह हमें बंद कर दी हैं सब। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं, कितनी जल्दी वेतन दिया जाए, क्या क्या जो है ड्यूज रहे हैं? नहीं देखो हमारी सरकार से ये मांग है कि जल्द से जल्द हमारे को वेतन दिया जाए, हमारे सारे ड्यूज हैं एरियर दिए जाएं।